वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। एंड अभी तो अनलॉक वन शुरू हो चुका है, सो बी वेरी केयरफुल एंड टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, जितना भी हो सके प्लीज़ मेंटेन कीजिए। हम सबके लिए ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पीरियड है। इट्स बीन अ लॉन्ग, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज मैं ना वीडियो कर ही नहीं पा रही थी, और कुछ वीडियो में मुझे वॉइस ओवर देना था वो भी मैं कर नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ माई थ्रोट। बहुत ही गंदे तरीके से इतना ज़्यादा पेन था, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए वीडियो भी नहीं कर पाई। सो मैंने सोचा आज ठीक हूँ तो ज़रूर कर लेती हूँ एक वीडियो एंड कुछ अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि वीक में दो दिन वेंसडे एंड संडे को मैं वीडियो अपलोड करूंगी। वेंसडे को होगा कुछ रिव्यूज एंड मेकअप लुक काइंड ऑफ वीडियोस। एंड प्लीज इग्नोर द नॉइज, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं इसके बारे में। एंड संडे को होगा स्किन केयर, हेयर केयर एंड लाइक हेल्थ रिलेटेड, हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड, हाउ यू कैन मेंटेन योर सेल्फ, समथिंग लाइक दैट। सो इन दोनों डेट के अलावा भी मैं एक दिन और एक वीडियो अपलोड करूँगी जो होगा बंगाली में, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि दी आप प्लीज़ बंगाली में वीडियो बनाइए तो हम लोगों के लिए वो अच्छा होगा, हम लोग फॉलो कर पाएंगे, तो इसलिए बंगाली में भी एक दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगी। दैट इज़ द अपडेट फॉर माई चैनल। एंड By the way, today I just chopped my hair and colored it. So घर में ही कर लिया मैंने, बाहर नहीं गई अभी। सो बहुत सारी बातें हो चुकी है मेरे चैनल के बारे में, अपडेट्स के बारे में एंड हेयर कलर के बारे में भी। सो विदाउट फर्दर डू जस्ट जंप इनटू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी फेवरेट विटामिन सी सीरम्स, मतलब कि मैंने जो जो सीरम्स यूज किया है उसके बारे में मैं बताऊंगी। मैं बार बार बोलती हूँ कि विटामिन सी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्किन केयर इंग्रेडिएंट। सो मुझे तो बहुत पसंद है विटामिन सी बिकॉज वी ऑल नो दैट विटामिन सी इज़ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एस इट इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, सो इट फाइट्स अगेंस्ट द फ्री रेडिकल्स दैट हार्म्स आवर स्किन एंड इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। इसके लिए क्या होता है, जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है हमारे फेस में, डार्क स्पॉट्स हो जाता है, ब्राउन स्पॉट्स हो जाता है एंड अनइवन स्किन टोन हो जाता है, तो उसको भी ये बहुत जल्दी फेड आउट करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है, तो इसके लिए ये जो पैचेस हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन रह जाता है, उसको रिड्यूस करता है। सो टू हील योर स्किन लाइक एनी काइंड ऑफ स्पॉट्स, एनी काइंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, विटामिन सी इज द बेस्ट इंग्रीडियंट टू यूज टू अप्लाई टू इनकॉर्पोरेट इन योर स्किन केयर रेजिम। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ जो 25 का अराउंड है और उसके ऊपर है, प्लीज इनकॉर्पोरेट विटामिन सी इन टू योर स्किन केयर रेजिम बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग इंग्रीडियंट, सो प्लीज गिव दिस अ ट्राई। वन मोर थिंग, यहाँ पे दो सीरम्स अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि पहला वाला जो है उसका मैंने यूज़ किया था एंड रिपर्चेस नहीं किया था, तो उसका बॉटल मेरे पास नहीं है। दूसरा वाला जो है वो मेरा खुद का नहीं था, मैंने किसी से लेके उसको यूज़ किया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, सो आई विल डेफिनेटली परचेज दैट वन। तो ये दो मेरे पास नहीं है। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डार्मा को का विटामिन सी सीरम, दिस वन। ये है डार्मा को का 20% विटामिन सी सीरम फॉर रेडियंट स्किन। मैंने तो बता दिया था कि विटामिन सी का काम क्या है एंड सबके लिए वो बेसिक तो है ही, तो इसके लिए मैं बार बार वही बात नहीं रिपीट करूंगी। एंड फ्लूरिक एसिड एंड हाइलोरोनिक एसिड, तो अभी मैं फ्लूरिक एसिड के बारे में बात करूंगी कि क्या है ये फ्लूरिक एसिड एंड हाउ इट वर्क्स ऑन आवर स्किन। फ्लूरिक एसिड आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ इट फाइट अगेंस्ट प्रीमैच्योर एजिंग लाइक रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजिन, सो विच मेक्स योर स्किन मोर सॉफ्ट, सबल, फॉर्मर एंड टाइटर टोन्ड स्किन। सो ये आप समझ सकते हो कि फ्लूरिक एसिड का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्किन में। उसके साथ है विटामिन सी जो आपकी स्किन को ब्राइटर करता है, साथ है हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड इज नेचर्स ह्यूमेक्टेंट, जो बाहर से जो मॉइस्चर होता है उसको कैप्चर करके स्किन में लॉक करता है, सो दैट स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट्स रहे। जितना ज़्यादा हाइड्रेट स्किन होगा उतना ही ज़्यादा हेल्दी स्किन होगा, ग्लोइंग स्किन होगा। तो आप समझ सकते हो कि कॉम्बिनेशन
इतना अच्छा है, 20% विटामिन सी, साथ में फ्लोरिक एसिड, साथ में हाइलुरोनिक एसिड, तो ये तीन कॉम्बिनेशन आपके स्किन के लिए जस्ट अमेजिंग। ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबिन एंड एसिलेस फ्री है। एंड एक बात याद रखिएगा, इसको आप इसको सिर्फ रात में यूज करोगे, 3 to 5 drops मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। जस्ट अप्लाई इट, वेट फॉर फ्यू मिनट्स टू एब्जॉर्व इट इन टू योर स्किन एंड देन अप्लाई योर मॉइस्चराइजर। बट रिमेंबर वन थिंग दैट कि उस मॉइस्चराइजर में कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ना हो, मतलब कि जैसे ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, ऐसा कुछ ना हो उस मॉइस्चराइजर में। एक सिंपल सा मॉइस्चराइजर हो, हाइलुरोनिक एसिड हो तो चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, और अगर आप इसके साथ कोई दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसके साथ नहीं जाता है ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन कर दोगे तो इट्स अ बिग नो नो, आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा। तो कभी भी जब आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अपने स्किन पे अप्लाई करोगे, लाइक विटामिन सी और सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड, तो दूसरा कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप मत इस्तेमाल करोगे अनटिल एंड अनलेस यू नो कि कौन सा कॉम्बिनेशन जाता है साथ में। बट ये एकदम लाइक 2-3 दिन में ही काम कर जाएगा ऐसा नहीं है, ये काम करता है। मेरा जो मार्क्स है यहाँ पे उस पर ये वर्क कर रहा है, मैं देख रही हूँ, बहुत ही जल्दी जल्दी वर्क ऐसा नहीं करता है, लेकिन ये आपके स्किन को रियली सपल सॉफ्ट हाइड्रेट्स रखता है, दैट्स फॉर श्योर, एंड काम भी करता है, बट इट टेक्स टाइम। सो ये था मेरा पहला वाला जो मैं अभी यूज कर रही हूँ। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, उसके बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगी, आई विल जस्ट शो दिस। दिस वन इज द ट्रू डर्मा वन, एंड मुझे इसमें इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। आपके स्किन को बहुत ही सॉफ्ट रखता है, सपल रखता है, एंड हाइड्रेट्स रखता है, एंड बहुत ही अच्छा एक स्मूथ सा फीलिंग देता है स्किन में, ये भी बहुत अच्छा है। इसको आप दिन में यूज कर सकते हो, देयर इज नो इशू विथ दैट, बिकॉज इसमें स्टेबिलाईज विटामिन सी है, यू कैन इजिली यूज दिस, एंड इट इज वेरी गुड फॉर आई मीन एंटी एजिंग, एंड दिस वन इज रियली गुड फॉर एंटी एजिंग, एंड वी ऑल नो दैट विटामिन सी इज एंड फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, तो ये तो काम करता ही है आपके फ्री रेडिकल्स को फाइट करने के लिए। तो दिस इज दिस, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड वन मेरे पास अभी नहीं है, मैं यहाँ और यहाँ कहीं पे भी उसका एक पिक्चर दे दूंगी, दैट इज सिप्ला वन। सिप्ला का जो VC 15% वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ही ज्यादा आपके स्किन को ना ब्राइट रखता है, एंड बहुत ही जल्दी हाइपर पिगमेंटेशन एंड ऑल सबको ये दूर करता है। तो प्राइस बताना भूल गई थी, ये जो है ये है 899 rupees का दिस वन। आई थिंक ये वाला ही सबसे कम प्राइस में है, दिस वन इज 899, एंड ट्रू डर्मा वन इज एक्चुअल प्राइस इज 1649, बट ये आपको डिस्काउंट में मिल जाता है, तो 1200 में आपको आराम से मिल जाएगा। सिप्ला वन इज आई थिंक 1500 to 1800 इन बिटवीन, डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट अभी का जो प्राइस है वो दे दूंगी। नाउ कमिंग टू माई वन ऑफ माई फेवरेट वन, दैट इज दिस वन, सेंट बॉटनिक का विटामिन सी। सबके सभी 20% है, सिर्फ सिप्ला वाला जो है वो ही 15% का है, और इसमें भी है हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई, बट ये इतना जल्दी काम करता है, ओ माय गॉड, इट वर्क्स लाइक मैजिक। आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जो मार्क्स होता है, जो टैनिंग हो जाता है, अनइवन स्किन टोन रहता है, उसको इतना जल्दी ये क्लियर करता है, मैं क्या बताऊँ। सो इफ मुझे रैंकिंग करना हो कि कौन सा विटामिन सी मैंने जो जो इस्तेमाल किया है कितने रैंक पे है अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग, तो मैं इसको सेकंड पोजीशन में रखूंगी। एक ही ड्रॉबैक्स है इसका, वो है कि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एंड बेकार हो जाता है, रहते रहते ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो बाकी तो पूरा बेकार हो जाता है, एंड इट कॉस्ट अराउंड 1799, आई मीन 1800, तो उसमें अगर बेकार हो जाए तो आपको तो खराब लगेगा ना। बट मैं इसको खरीदूंगी जब ये सब खत्म हो जाएगा, एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि इसका जो बॉक्स आता है उसके अंदर ही फ्रिज में रखूँ, सो दैट इसको लाइट भी ना लगे, हीट भी ना लगे, सो दैट ये जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो। बट आई लव दिस वन बिकॉज ये
बहुत बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी वर्क करता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अभी मैं आऊंगी कि नंबर वन कौन सा वाला है जो वर्क करता है लाइक दिस एंड बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो वो है ऑर्डिनरी का एस्कॉर्बिक एसिड, उसका पिक्चर भी मैं यहाँ और यहाँ कहीं पे भी मैं दे दूंगी क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। मैंने बताया था कि मैंने किसी से लेके यूज़ किया था एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक, बहुत ही अच्छा है। बट वो एक पाउडर फॉर्म में आता है, उसको आप कोई हाइलोरोनिक एसिड सीरम के साथ मिक्स कर सकते हो या आप उसको कोई हाइलोरोनिक एसिड वेल मॉइस्चराइजर के साथ मिला सकते हो या आप ऐसे ही उसको वाटर के साथ मिला सकते हो। देन यू कैन अप्लाई इट एंड उसके ऊपर वो पूरा सॉल्युबल है, मिक्स्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ रह जाएगा। तो उसको यूज़ करोगे देन उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लोगे। अगर आप मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके उसको अप्लाई कर रहे हो तो देन आपको कुछ भी उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू हाउ दिस ऑर्डिनरी एस्कॉर्बिक एसिड वर्क्स, ओ माई गॉड, लाइक मैजिक। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी है एंड विटामिन सी का जो काम है ब्राइट करना आपके स्किन को, डार्क स्पॉट्स जो है उसको रिमूव करना, मेलानिन प्रोडक्शन को कम करना, आने हुए स्किन टोन को रिमूव करना, इवन करना एंड ब्राइटर बनाना आपके स्किन को। पैचेस जो होता है, फ्रेकल्स होता है, उतना ज़्यादा दाग धब्बे हो जाता है स्किन में, तो उन लोगों के लिए, सबके लिए बेस्ट है वो। तो एकदम ही प्योरेस्ट फॉर्म है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, लेकिन किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट आपको इंस्टाग्राम स्टोर में ही मिलता है, कुछ साइड भी रखता है ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट, तो कस्टम लेके उसका प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाता है, मतलब कि शायद वो 2100 का आ जाता है, बट एक्चुअली $10 में हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना प्राइस वैरी करता है, बट ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स आर रियली गुड, रियली अमेजिंग। वो तो नंबर वन वाला है, नंबर वन वाला वो है। और अभी मैंने जो जो यूज़ किया है उसके बारे में मैंने बता दिया है। पहले पोजीशन में मैंने रखूंगी ऑर्डिनरी वन को बिकॉज वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी है एंड साथ ही साथ वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। सेकंड पे मैं रखूंगी सेंट बॉटनिका को क्योंकि वो काम तो बहुत ही अच्छी तरीके से करता है लेकिन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, दैट इज द वन प्रॉब्लम। थर्ड में मैं रखूंगी सिप्ला वन को क्योंकि सिप्ला वाला काम तो बहुत अच्छी तरीके से करता है लेकिन इन लोगों के जैसे उतना फास्ट नहीं करता है। फोर्थ में मैं रखूंगी ट्रू डर्मा को, ट्रू डर्मा वन थोड़ा आहिस्ता से काम करता है लेकिन आपका स्किन में एक स्मूथ फीलिंग देता है, एक ब्राइटर लुक देता है, एक सॉफ्ट एंड सपल, एक बहुत ही अच्छा एक स्किन, हेल्दी स्किन आपको देता है। एंड लास्ट में मैं डर्माको को रखूंगी क्योंकि मैं अभी उसको यूज कर रही हूँ बट वो बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एंड वन मोर थिंग, बाकी चारों का जो रिजल्ट है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा डर्माको के कंपेयर में। ये सारे प्रोडक्ट से अच्छा है जो आपके बजट में सूट करे तो उसको ही आप खरीद सकते हो एंड यू कैन गिव दिस अ ट्राई बिकॉज विटामिन सी इज रियली इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट्स इन आवर स्किन केयर रेजिम एंड वी शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई टू मेक आवर स्किन मोर हेल्दी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड Please subscribe to my channel. It means a lot to me and thanks for watching.